बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश आबाद रखे। आमीन। आज बन रही है मेरे किचन में अनारदाने की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लजीज होगी और रमज़ान के आने वाले दिनों में हमारे बहुत ही काम आएगी। जो कि एक बहुत ही हाजमेदार चटनी होती है, तो आप इसको समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, कचौड़ियों के साथ। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो पुदीना लिया है मैंने तकरीबन आधी गट्ठी, पुदीने की आप ले लें। अनारदाना 2 टेबलस्पून, पानी हम लेंगे 1/4 कप, ज़ीरा इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून, और काला नमक 1/2 टीस्पून, और हरा धनिया ले लें आप आधी गट्ठी, हरा धनिया की ले लें। तो हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 2-4 अदद, साबुत लाल मिर्च जाएगी 6 से 7, जो है लहसुन के जवे, वो सब इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पुदीना वो डालेंगे अपने ग्राइंडर में, और इसके बाद हरा धनिया ये जाएगा, और इसके बाद मैंने डाला है अनारदाना। सब चीज़ें जो हैं वो आप डाल लें, ज़ीरा, काला नमक। और हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें और लहसुन, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। अब और अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, जो कि मैंने 1/4 कप इसमें पानी का डाला है, वो शामिल करके, और हम सब चीज़ों को डालकर इसको अच्छे से प्रॉपर जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।